हल्द्वानी में राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन द्वारा बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार और उनके संवैधानिक व अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों के उल्लंघन के मामले में एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में मानव अधिकार संगठन के सदस्यों ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदू धार्मिक स्थलों पर बड़े हमले हो रहे हैं, जहां 59% हिंसा धार्मिक स्थलों पर निशाना बनाती है और 69 मंदिरों व अन्य पूज्य स्थलों पर अनुष्ठानों के दौरान हमले किए गए हैं। लिहाजा उन्होंने सरकार से मांग की है कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वतंत्र जांच आयोग का गठन कर अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। 1000 लोग पहुंचने की संभावना है और इसमें ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी हिंदू संगठन आगे आए और नागरिक जो हक है, जो मानवाधिकार का हम जो एक कर रहे हैं, तो मानवाधिकार के दिन के जो दिवस है उस वक्त सभी नागरिकों का जो अधिकार का जो हनन है उसके लिए आवाज उठाए। अरे MBPG इंटर कॉलेज ग्राउंड से पहले एक वहाँ पर सभी लोग एकत्रित होंगे, उसके बाद संबोधन होगा और फिर उसके बाद तिकोनिया में से होते हुए हमारी MB इंटर कॉलेज से निकलेगी रैली और उसके बाद जो जिलाधिकारी आवास है वहाँ तक हम जाएंगे। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को हम ये ज्ञापन देंगे, जिससे कि बांग्लादेश पर जो है नरसंहार, जो अपहरण, बलात्कार और संपत्ति का नुकसान हो रहा है वो रोका जाए।